नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में पिछले वीडियोस में हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अध्ययन किया था। आज हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे, अर्थात सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की स्टडी करेंगे। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हम किसे कहते हैं? वे अभिक्रियाएँ जिनके लिए अभिक्रिया वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातांकों का योग अगर दो होता है तो वह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। या हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक अणुओं की संख्या दो हो, अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक अणु जिनकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है उनकी संख्या का योग यदि दो हो तो वह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कैन बी डिफाइन एज केमिकल रिएक्शन वेयर इन द सम ऑफ एक्सपोनेंट इन करस्पॉन्डिंग रेट लॉ ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू टू। तो द्वितीय कोटि के लिए अगर हम अभिक्रिया वेग या रेट लिखें तो किस तरह से लिखेंगे? रेट इक्वल टू के टू इन टू ए रेस टू पावर टू, या हम ये भी कह सकते हैं रेट इक्वल टू के टू ए इन टू बी। अब द्वितीय कोटि की संभव व्यापक अभिक्रियाओं को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। फर्स्ट, जब अभिकारक समान हो, अर्थात दोनों अभिकारक सेम हो, जैसे ए प्लस ए रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा, या जब दोनों अभिकारक भिन्न हो, अर्थात ए बी से अभिक्रिया करके प्रोडक्ट बनाता है, तो हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया को इन दोनों तरह से व्यक्त कर सकते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले लें जब दोनों अभिकारक समान हो या अभिकारक भिन्न हो परंतु उनकी सांद्रता समान हो, तो उनको हम किस तरह से व्यक्त करेंगे? ए प्लस ए यानी दो अभिकारक जो समान है ए प्लस ए रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो प्रारंभ में यानी टी इक्वल टू जीरो पर ए की सांद्रता ए है और दूसरे अभिकारक ए की भी सांद्रता है और प्रोडक्ट की सांद्रता जीरो क्योंकि अभी प्रोडक्ट बना नहीं है। टी समय पर अर्थात जब टी इक्वल टू टी हो तो ए अभिकारक के एक्स मोल वियोजित होकर प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाते हैं, तो प्रोडक्ट की सांद्रता हो गई एक्स और ए अभिकारक की सांद्रता ए माइनस एक्स, इसी तरह से दूसरे अभिकारक की सांद्रता ए माइनस एक्स रह जाती है। अब हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण अर्थात डिफरेंशियल रेट इक्वेशन देखें। तो अभी हमने देखा कि रेट अभिक्रिया का वेग क्या होगा? रेट इक्वल टू के टू इन टू ए की पावर टू, या हम इस तरह रेट को डी एक्स अपॉन डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के टू ए रेस टू पावर टू। अब ए की सांद्रता हमारी कितनी है? ए माइनस एक्स, तो हम ए की जगह हम ए माइनस एक्स रखते हैं, यानी ए की सांद्रता ए माइनस एक्स रखते हैं, तो हमारी रेट क्या हो जाएगी? डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के टू इन टू ए माइनस एक्स की पावर टू। तो यह हमारी अवकलित वेग समीकरण है। अब हम समाकलित वेग समीकरण देखें। अभी हमने अवकलित वेग समीकरण देखी डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के टू ए माइनस एक्स की पावर टू। इस अवकलित वेग समीकरण को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं डी एक्स यानी इसको हम यहाँ नीचे ले आए डी टी को यहाँ लेके आ जाए तो हमारा क्या इस तो हम इस अवकलित वेग समीकरण को इस तरह से भी लिख पाएंगे डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स की पावर टू इक्वल टू के टू डी टी। अब इस अवकलित वेग समीकरण का हम समाकलन करते हैं अर्थात समाकलन डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स की पावर टू इक्वल टू के टू क्योंकि के टू कॉन्स्टेंट है तो समाकलन डी टी। अब समाकलन नियम से समाकलन डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स की पावर टू का समाकलन हमारा होगा वन अपॉन ए माइनस एक्स। तो ये जो वैल्यू है हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या मिलेगी? वन अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के अब डी टी का समाकलन टी होगा के टू टी प्लस सी। सी यहाँ एक समाकलन नियतांक है। जब हम विदाउट लिमिट समाकलन करते हैं तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट या समाकलन नियतांक लगाते हैं, तो यहाँ हमने एक समाकलन नियतांक सी लगाया। अब
जब टी इक्वल टू जीरो हो यानी प्रारंभ में टी इक्वल टू जीरो पर एक्स की कंसंट्रेशन भी जीरो होगी यानी उत्पाद के मोल की सांद्रता जीरो होगी। तो टी और एक्स की वैल्यू जीरो का मान हम समीकरण दो में रखते हैं। समीकरण दो में हम जहाँ भी टी और एक्स है वहाँ वैल्यू जीरो रखते हैं अर्थात वन अपॉन ए माइनस जीरो यानी एक्स की जगह हमने जीरो रखा इक्वल टू के इंटू जीरो यानी टी की जगह हमने जीरो रखा प्लस सी, या हम ये कह सकते हैं वन अपॉन ए इक्वल टू सी। सी का यह मान हम समीकरण दो में रखते हैं यानी सी का मान हम इस समीकरण दो में रखेंगे। तो दो में रखने पर हमें क्या वैल्यू प्राप्त होगी वन अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टू टी प्लस वन अपॉन ए। इस पद को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो क्या इक्वेशन होगी वन अपॉन ए माइनस एक्स माइनस वन अपॉन ए इक्वल टू के टू टी। अब इस इक्वेशन का हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने पर हमें क्या मिलेगा ए माइनस एक्स अपॉन ए का एलसीएम ए इंटू ए माइनस एक्स हुआ तो ए माइनस ब्रैकेट ए माइनस एक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स ठीक है इक्वल टू के टू टी ये हमें मिला। अब हम ब्रैकेट खोलते हैं ब्रैकेट खोलने पर हमें क्या होगा ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस एक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स इक्वल टू के टू टी। ए से हमारा ए कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिला एक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं के टू इक्वल टू वन अपॉन टी यानी टी हम यहाँ लेके आ गए तो वन अपॉन टी डॉट एक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स। यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण है जब क्रियाकारक की सांद्रता समान होती है। अब हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया लें जब दोनों क्रियाकारक अलग अलग हो तथा उनकी सांद्रता भिन्न भिन्न हो यानी हम इसको संक्षेप में कह सकते हैं कि जब दोनों क्रियाकारकों की सांद्रता भिन्न हो उसके लिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया वेग समीकरण क्या होगी उसको हम देखें। जैसे ए और बी दो क्रियाकारक हैं जिनकी सांद्रताएं भिन्न भिन्न है ये आपस में अभिक्रिया करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रारंभ में टी इक्वल टू जीरो पर ए की सांद्रता ए और बी की सांद्रता बी है और प्रोडक्ट की सांद्रता जीरो है। टी इक्वल टू टी समय पर यानी टी समय पर ए से एक्स मूल वियोजित होंगे और बी से भी एक्स मूल वियोजित होंगे तो अब ए की सांद्रता कितनी रह गई ए माइनस एक्स और बी की सांद्रता भी कितनी रह गई बी माइनस एक्स। अब हम इस इक्वेशन के लिए समाकलित वेग समीकरण देखें डिफरेंशियल रेट इक्वेशन देखें तो समाकलित वेग समीकरण के लिए हम अवकलित वेग समीकरण देखें डिफरेंशियल रेट इक्वेशन देखें तो अभी हम जानते हैं कि द्वितीय कोटि के लिए रेट क्या होगा रेट इक्वल टू के टू ए इंटू बी ठीक है और रेट हमारी क्या है डीएक्स अपॉन डीटी तो डीएक्स अपॉन डीटी इक्वल टू क्या होगा के टू ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स यानी ए और बी की सांद्रता हम रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा डीएक्स अपॉन डीटी इक्वल टू के टू ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं डीएक्स अपॉन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स इक्वल टू के टी। यह द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण है जब अभिकारकों की सांद्रता भिन्न हो। अब हम इस अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण देखें अवकलित वेग समीकरण हमारा क्या था डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स इक्वल टू के टू टी। अब इस इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन करते हैं समाकलन करते हैं तो समाकलन क्या होगा समाकलन डी एक्स ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स इक्वल टू के टू समाकलन डी टी। अब हम वन अपॉन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स का फ्रैक्शन करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन किया बाय पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ वन अपॉन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स तो वो क्या होगा पार्शियल फ्रैक्शन इक्वल टू वन अपॉन ए माइनस बी ब्रैकेट वन अपॉन बी माइनस एक्स माइनस ए वन अपॉन ए माइनस एक्स। अब ये जो मान है यह मान हम इक्वेशन सिक्स में रखते हैं तो इक्वेशन सिक्स में रखने पर हमें क्या वैल्यू मिले क्या इक्वेशन मिलेगी वन अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू वन अपॉन ए माइनस बी
समाकलन डी एक्स अपॉन बी माइनस एक्स माइनस समाकलन डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टू समाकलन डी टी। अब इसका हम समाकलन करें तो वन क्या मिलेगा हमें, वन अपॉन ए माइनस बी। अब डी एक्स अपॉन बी माइनस एक्स का समाकलन क्या होगा, माइनस एल एन बी माइनस एक्स, तो यहाँ हम माइनस एल एन बी माइनस एक्स रख देते हैं प्लस। अब यहाँ माइनस डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का समाकलन क्या होगा, डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का समाकलन होगा माइनस एल एन ए माइनस एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो क्या होगी वैल्यू, प्लस एल एन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टू टी प्लस सी, यानी डी टी का समाकलन टी। और हम यहाँ एक समाकलन नियतांक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं, क्योंकि जब समाकलन हम विदाउट लिमिट करते हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं। अब इक्वेशन सेवन में हम टी इक्वल टू जब जीरो हो तो एक्स इक्वल टू जीरो होगा, अर्थात टी और एक्स का मान रखते हैं जीरो, जो कि जीरो है, तो हमें क्या मिलेगी, वन अपॉन ए माइनस बी एल एन माइनस एल एन बी माइनस जीरो, यानी एक्स की जगह हमने जीरो रख दिया, प्लस एल एन ए प्लस जीरो, यहाँ भी एक्स की जगह हमने जीरो रखा, इक्वल टू के टू इंटू जीरो, यानी टी की जगह हमने जीरो रखा प्लस सी। सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, वन अपॉन ए माइनस बी माइनस एल एन बी प्लस एल एन ए इक्वल टू सी, यानी ये वैल्यू जीरो हो गई, तो यहाँ तो सी और माइनस एल एन बी प्लस एल एन ए, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सी इक्वल टू वन अपॉन ए माइनस बी एल एन ए अपॉन बी, यानी लॉग नियम से एल एन ए माइनस एल एन बी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, एल एन ए अपॉन एल एन बी। अब इस यह जो सी की वैल्यू है, इस सी की वैल्यू को हम इक्वेशन सेवन में पुट करते हैं, यानी इस इक्वेशन सात में पुट करते हैं, तो इक्वेशन सात में पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, वन अपॉन ए माइनस बी एल एन माइनस एल एन बी माइनस एक्स प्लस एल एन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टू टी प्लस वन अपॉन ए माइनस बी एल एन ए अपॉन बी, यानी हमने सी की वैल्यू रख दी। अब इसको हम रीअरेंज कर दें, यानी ये प्लस इधर आ जाएगा और माइनस इधर, तो वन अपॉन ए माइनस बी एल एन ए माइनस एक्स माइनस एल एन बी माइनस एक्स इक्वल टू के टू टी प्लस वन अपॉन ए माइनस बी एल एन ए अपॉन बी। अब लॉग नियम से माइनस एल एन ए माइनस एक्स माइनस एल एन बी माइनस एक्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं, एल एन ए माइनस एक्स अपॉन एल एन बी माइनस एक्स, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे, वन अपॉन ए माइनस बी एल एन ए माइनस एक्स अपॉन एल एन ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स इक्वल टू के टू टी प्लस ए माइनस बी एल एन ए अपॉन बी। अब ये जो पद है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, वन अपॉन ए माइनस बी एल एन ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स माइनस, अब ये यहाँ जब लेफ्ट हैंड साइड गया तो ये माइनस में हो गया, माइनस वन अपॉन ए माइनस बी एल एन ए अपॉन बी इक्वल टू के टू टी। अब इस पद में हम वन अपॉन ए माइनस बी कॉमन निकाल लेते हैं, यानी इसमें इन दोनों पदों इसमें से हम वन अपॉन ए माइनस बी कॉमन निकालेंगे, तो ये कॉमन निकाला वन अपॉन ए माइनस बी, तो क्या बचता है, एल एन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स माइनस एल एन ए अपॉन बी इक्वल टू के टू टी। अब लॉग नियम से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वन अपॉन ए माइनस बी इंटू एल एन ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स अपॉन ए अपॉन बी इक्वल टू के टू टी। अब यहाँ बी माइनस एक्स नीचे आ जाएगा और जो बी है वो ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, वन अपॉन ए माइनस बी एल एन ए माइनस एक्स इंटू बी अपॉन बी माइनस एक्स इंटू ए इक्वल टू के टू टी।
या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं के टू इक्वल टू वन अपॉन टी, यानी टी हमारा इधर आ जाएगा, तो के टू इक्वल टू वन अपॉन टी ए माइनस बी एल एन बी ए माइनस एक्स अपॉन ए बी माइनस एक्स। अब एल एन या नेचुरल लॉग को हम बेस टेन में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा वेग व्यंजक क्या हो जाएगा, के टू इक्वल टू 2.303 अपॉन टी ए माइनस बी लॉग बी ए माइनस एक्स ए बी माइनस एक्स। तो यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है जब ए और बी की सांद्रता भिन्न हो। तो यह हमारी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया थी और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग समीकरण थे जब दोनों क्रियाकारकों की सांद्रता समान हो तथा जब दोनों क्रियाकारकों की सांद्रता भिन्न भिन्न हो। थैंक यू।